हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मैं हूं हरबीर सिंह. स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में. तो सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, और जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी तो उस पर कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, हालांकि पॉजिटिव भी काफ़ी हैं. तो मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक बंदे के साथ हूँ, और अगर आपको बुरा लगा है तो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ वो नहीं करूँगा. लेकिन आप ऑनेस्टली एक बार सोच के देखना कि कुछ तो गलत हुआ है, और उन बच्चों के साथ भी गलत हुआ जिनकी 30 वाले एग्ज़ाम में 90-90 नंबर आए, वो भी कंपटीशन से बाहर हो गए हैं. आप समझ सकते हैं, जैसा मैं पहले से बोलता आया हूँ कि 30 वाला एग्ज़ाम था वो औरों की तुलना टफ था. अगर 30 वाले एग्जाम में कोई 90 नंबर लेके आ रहा है तो वो भी कंपटीशन से बाहर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गलत है. अब नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला अपनाया है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है. तो रही बात परीक्षा रद्द होने की, जैसा मैंने एक वीडियो डाली थी कल, तो मैंने क्या कहा है कि जो अभी चल रहा है, क्योंकि आप कल देखते बहुत बच्चे सड़कों पे उतर के आए थे, हंगामा किया था. आप घर बैठे हैं, आपको नहीं पता, आप वहां जाके देखते कितने लॉयर्स के पास गए, एडवोकेट्स के पास गए बच्चे. तो उसको देखते हुए मैंने बताया कि परीक्षा रद्द हो सकती है इस हिसाब से. और मैं ये नहीं चाहता कि जो बच्चों के साथ जो पास हुए हैं, या मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे, उनके साथ नुकसान हो. और मैं किसी एक के पक्ष में नहीं हूं, और जो भी कुछ हुआ था वो पब्लिक पोल पे हुआ था, मतलब आप लोगों से ही एडवाइस ली गई थी कि आप क्या चाहते हैं. 78% कुछ बोल रहे थे कि 78 है नहीं. तो आप एक बार कम्युनिटी टैब में जाके देखें कि कितने परसेंट बंदे बोल रहे हैं. और साथियों, आपको एक बात और बता देता हूं, मेरे साथ मोस्टली वो बंदे जुड़े हुए हैं, पहले 30 वाले नहीं थे मेरे साथ. मेरे साथ वो कैंडिडेट्स थे जो रिजल्ट लाना चाहते थे. आपको पता होगा रिजल्ट के लिए काफी कैंडिडेट्स गए भी थे, एक दो बार मीटिंग भी हुई थी, धरना भी दिया था. तो वो कैंडिडेट्स थे जो रिजल्ट लाना चाहते थे, जो श्योर थे कि वो पास हो जाएंगे, और उनके अच्छे मार्क्स भी थे. लेकिन उनमें से अब जो पास हुए हैं, आपको बता दूं 20% हुए हैं, अराउंड 20% कैंडिडेट्स उनमें से पास हुए हैं. तो जिस बंदे को पूरा विश्वास था, अभी आपको मैं बताऊं, एक 14 वाली शिफ्ट में था कैंडिडेट, ठीक है, उसके 108 नंबर जनरल में, लेकिन अभी भी वो फेल है. 108 नंबर लाके भी कोई फेल है तो क्या उसके साथ सही हुआ गलत हुआ है? ऐसे ही 28 वाली शिफ्ट में हैं, कुछ के बहुत ज्यादा मार्क्स भी बढ़े हैं, कुछ के 105 10 से 80 80 नंबर हो गए हैं. तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, आप लोग भी जुड़े हुए हो, वो भी जुड़े हुए हैं. तो लेकिन ये कि आप लोगों को गलत लग रहा है तो मैं नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं बोलूंगा इन चीजों पे. और आई फील रियली सैड विद द रिमार्क्स विच यू गेव. एक्चुअली आई डोंट इंटेंड टू हार्म एनी वन, आई वॉन्ट जस्ट एवरी वन गेट्स हियर जस्टिस, एंड फॉर दैट दिस चैनल इज हियर, अदरवाइज आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, इट्स नॉट सम पीपल वर सेइंग दैट्स फॉर अर्निंग मनी यू जस्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स. नो, मनी इज नॉट अ बिगेस्ट थिंग, दे आर सेवरल वेज टू अर्न मनी. एंड इफ यू थिंक लाइक फॉर मनी आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स, सो यू आर थिंकिंग रियली बैड. Because I have several ways to earn money. I have several ways to earn money. So I really felt regret and felt really sad, felt really broken yesterday. Because I never intended to harm anyone, and even then people were giving me such remarks. So I was really feeling sad with that. तो साथियों बहुत दुख होता है. तो anyway, ये जो अपडेट थी वो आप लोगों के लिए थी. मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं खुद वो कर रहा हूं, ना मैं कहीं गया ना कुछ.